राजनीति में किसी दल से जुड़ने के बाद जब राजनेता पहली बार पुनः अपने क्षेत्र में आते हैं तो वो समय भी शक्ति प्रदर्शन का बन जाता है। उस दौर में भी अपनी ताकत दिखाई जाती है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जाती है। ऐसी ही एक उपस्थिति का साक्षी आज उदयपुर बना। उदयपुर से लेकर वल्लभ नगर तक अलग अलग स्वागत कार्यक्रमों के माध्यम से एक माहौल बनाया गया कि रणधीर सिंह भिंडर अब पुनः भाजपा के हो गए। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पूर्व एक बड़े कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता और गत लगभग एक दशक से भारतीय जनता पार्टी से दूर हो चुके रणधीर सिंह भिंडर अपनी जनता सेना का भाजपा में विलय करते हैं और पुनः भाजपा का दामन थाम लेते हैं। उसके बाद वो पहली बार पुनः अपने गृह क्षेत्र लौटे हैं और इस अवसर पर फूलमालाओं का, पटाखों का, स्वागत का एक दौर चलता है। उस दौर में राजनीतिक रूप से ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि रणधीर सिंह भिंडर भाजपा के हो गए हैं और आज वो पहली बार अपने गृह क्षेत्र आए हैं। मैसेज यह भी देने की कोशिश होती है कि अपनी भूमिका को निभाने के लिए तैयार हैं। पत्रकारों से बात करते हैं तो यह भी कहते हैं कि जो भी भूमिका पार्टी तय करेगी उसको निभाया जाएगा। सवाल वसुंधरा राजे को लेकर भी होता है, वो कहते हैं बड़ी नेता है, उनको अवश्य जानकारी रही होगी। कुल मिलाकर ये एक अवसर यहाँ देखने को मिला क्योंकि वल्लभ नगर अब राजनीतिक चौसर का एक ऐसा स्वरूप बन गया है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी कई अलग अलग चेहरे बड़े कद्दावर रूप से दिखाई देते हैं। फिर चाहे उसमें आलिया विधायक उदयलाल डांगी का जिक्र हो जाता है, चाहे उसमें पूर्व में चुनाव लड़े और इस चुनाव में बड़ी सक्रियता से अपनी भूमिका निभाते हिम्मत सिंह झाला नजर आते हैं। रणधीर सिंह भिंडर अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं तो एक पहलू अब भारतीय जनता पार्टी का उनके राजनीतिक कद के अनुसार भी आका जाएगा। तो कहीं ना कहीं सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष जो कि इस लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं उनका प्रभाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक राजनीतिक चौसर पर कई अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के चेहरे अब इस वल्लभ नगर क्षेत्र में दिखाई देंगे तो यहाँ अपने प्रभाव को बढ़ाने की कवायदें भी लगातार जारी रहेगी। ऐसी ही कोशिश आज उदयपुर से लेकर वल्लभ नगर तक के अपने इस सफर में रणधीर सिंह भिंडर के कार्यक्रमों के माध्यम से देखने को मिली। आगे भी राजनीतिक जो वहाँ की उठापटक होगी उस तक पहुँचेंगे। आप सुनिए आखिर वो जो पहली बार आए तब उनका कहना क्या था, क्योंकि वो स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनकी धर्मपत्नी जो इस बार चुनाव लड़ी थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है, तो सुनिए आखिर उनका क्या कुछ कहना है। कार्यकर्ताओं के स्वागत से अभिभूत हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हम सदस्य रहे, हमने भारतीय जनता पार्टी को वल्लभ नगर में मेरे कार्यकर्ताओं ने खड़ी की और किसी कारणवश हम अलग हो गए थे, लेकिन 11 साल बाद आज वापस पुनः पार्टी में आए हैं। और हमारे जो कोर कमेटी उसने निर्णय लिया था कि अगर पार्टी हमें बुलाती तो निश्चित तौर पर हमें पार्टी में सम्मिलित हो जाना चाहिए, तो उनकी तरफ से हमको बुलावा आया और हम चले गए क्योंकि निर्णय यही था पार्टी का। प्रयास लंबे समय से चल रहे थे, मैडम ने भी आपके लिए सिफारिश करी थी। इस बार की जो आपका सम्मेलन हुआ है इसमें मैडम का भी सहयोग रहा है? नहीं, जानकारी तो उनको होगी क्योंकि वो वरिष्ठ नेता है, वो सबको जानकारी थी, सभी वरिष्ठ नेताओं को जानकारी थी, उसके बाद ही ये हुआ है। भिंडर दंपति का आगे भविष्य में भाजपा के लिए क्या भूमिका रहेगी? ये तो पार्टी जो तय करेगी वही भूमिका रहेगी। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूँ और भगवान राम का 14 साल का वनवास था, हमारा 11 साल का वनवास के बाद घर वापसी हुई है, तो सभी कार्यकर्ता बंधुओं को सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम लोग भाग्यशाली है, हमारे ऐसे कार्यकर्ता है आज तक हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के रहे और हम लोग, हमारी ताकत ही वही है। धन्यवाद। तो ये थे आज उदयपुर क्षेत्र के राजनीतिक रंग, जिसमें कई बार आश्चर्य इस बात का होता है कि नेताजी के हरेक कदम समर्थकों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आ जाता है। फिर वो चाहे पार्टी में जुड़ने के दौर रहे हो या पार्टी से नाता तोड़ने के दौर रहे हो, समर्थकों का उल्लास और आनंद हमेशा एक राजनीतिक वातावरण को राजनीतिमय बनाकर रखता है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।